हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीपी। एंड आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ 5 डिफरेंट बॉटल आर्ट्स। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो आज उसी का नतीजा है ये वीडियो। आज मैंने 3 चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई की है यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे फर्स्ट बॉटल आर्ट के लिए मैंने ये पुराना बॉटल ले लिया है, जो पहले भी मैंने कभी DIY किया था। तो इसके ऊपर बहुत ही सिंपल मैंने रखा था ये रोप, जिसको मैंने ग्लूगन से स्टिक किया था। अभी हम उसको रिमूव कर देंगे एंड इस बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये आज का ईजीएस्ट बॉटल आर्ट है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये एशियन पेंट्स का स्प्रे पेंट। इसको जहाँ पे भी आप स्प्रे कर देंगे तो वो काफ़ी ब्लर सा दिखता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो इसके लिए इसको मैंने ओपन स्पेस में रखा है एंड इस तरीके से 2 कोट मैंने स्प्रे कर दिया है। एंड बस इतना ही करना था इस बॉटल में। आप चाहें तो और कोई डिज़ाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। एंड देखिए कितना ही प्यारा एक ग्लोई इफेक्ट आ रहा है इस बॉटल से। अगर हम ये नहीं करते हैं तो जो फेरी लाइट की जो तार होती है वो भी दिखाई देती है। तो अब नेक्स्ट बॉटल आर्ट के लिए मैंने यहाँ पे अगेन अपना जो सेम प्रोसेस होता है, जेसो अप्लाई करेंगे। जेसो जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम यहाँ पे चॉक पेंट अप्लाई करेंगे। उसको भी कम्प्लीटली हमको ड्राई होने देना है। इसको करने में आपको 1 से 2 दिन जाएगा। इसको टाइम के साथ आप ड्राई होने दीजिए। उसके बाद दिस डेको ट्रांसफ़र शीट इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर। एंड क्योंकि विमेंस डे आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ विमेंस डे से रिलेटेड बनाया जाए। तो यहाँ पे जो ऊपर के सेलोफिन है उसको हमने रिमूव कर दिया है एंड स्टिकर को बॉटल के ऊपर इस तरीके से हमको स्टिक कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट रखा था एंड आगे जाके मैंने और कलर्स इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो स्पंज होता है उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा पानी यहाँ पे लगाएंगे। जब आप वाटर यहाँ पे लगा रहे हैं, जब आप डैबिंग कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सरफेस है, जो चॉक पेंट वाला एरिया, जो ओपन एरिया, वहाँ पर आप थोड़ा कम ही पानी लगाएं, अदरवाइज़ जो पेंट है वो पील ऑफ हो सकता है। तो अच्छे से वो हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने बताया कि कलर ऐड करना था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू एंड थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ किया है। एंड उसके बाद डॉटा टूल से थोड़ी सी डिटेलिंग्स वगैरह मैंने ऐड की है। काफ़ी सिंपल रखा है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें बना सकते हैं एंड रिक्रिएट कर सकते हैं। तो जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हमें वार्निश का 1 से 2 कोट यहाँ पर अप्लाई करना है। मेरी बॉटल अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं थी इसलिए मैंने इसको स्किप किया, मैं बाद में कर लूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये एक क्यूट सा बॉटल आर्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड बॉटल आर्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बॉटल मैंने ले ली है एंड ऊपर एक परमानेंट मार्कर से मैंने होम स्वीट होम लिख लिया है। आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। आप चाहें तो अगर किसी कपल को आप एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहे हैं तो उनका नाम, उनका जो मैरिज डेट है उसको भी लिख सकते हैं। या फिर आप किसी को बर्थडे में दे रहे हैं तो उनका नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उनको एक बर्थडे मैसेज भी आप यहाँ पे लिख के दे सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्कर से उस पर जो भी लिखना था वो लिख लिया। उसके बाद मैंने ये एक एम्बॉसिंग टूल ली है, ये एक्चुअली एम्बॉसिंग नहीं है, सॉरी, इनग्रेविंग टूल है। आप इससे ग्लास मेटल्स वगैरह के ऊपर एचिंग कर सकते हैं एंड कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ 2 निडल्स मिले हैं जिसमें से जो थोड़ा बॉल जैसा था उसको मैं यूज़ रही हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बार आउटलाइन कर लेनी है एंड जब पूरा टेक्स्ट आपका हो जाएगा तब आपको इसको क्लीन कर लेना है। नॉर्मल कपड़े से ही आपको इसको वाइप कर लेना है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने ही ट्राई कर रही हूँ, तो अगर बहुत अच्छा तो नहीं हुआ बट हाँ, फ़र्स्ट टाइम जैसा मैंने ट्राई किया उसके हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। यानी कि प्रोफेशनल होने के लिए बस आपको 5-6 बॉटल्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोलेट्रल डैमेज तो चलता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा था। तो मैं तो बस आपके सामने अभी जो बना रही हूँ यही बनाया है। इसके बाद जब टाइम मिलेगा तो मैं फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी एंड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई थी, मुझे कहीं कहीं पे थोड़े से फ्लॉज दिख रहे थे, तो उनको हम वापस से ठीक करेंगे, वहाँ पे हम अच्छे से उस लाइन को इन्हेंस करेंगे, वहाँ पे फिलिंग कर देंगे एंड उसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये पेन ट्राई नहीं किया है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, कुछ डिफरेंट है एंड बहुत मज़ा आया मुझे इसको करके। तो एचिंग करने के बाद अब हमको इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना है, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन कलर इस तरीके से इसके अंदर फिल किया एंड उसके बाद मैंने इसको वाइप आउट कर दिया। वेल, इसका रिजल्ट मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था देख के, तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मेटालिक वैक्स भी अच्छे से लगा दिया था, तो उससे जो फाइनल रिजल्ट आया वो बहुत ही प्यारा आया। तो चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ बॉटल की तरफ। तो यहाँ पे ये काफ़ी पुराना बॉटल है, मैंने पता नहीं कुछ तो ट्राई किया था बट वो बहुत ही गंदे तरीके से फेल हो गया, तो अब मैं इसको रीयूज़ करने वाली हूँ। मैं इस स्टिकर को सबसे पहले तो क्लीन कर लूँगी, बॉटल क्लीन हो चुकी है, अब उसके बाद ये स्टिकर्स जो जनरली हमने देखा है कि लोग स्विच बोर्ड्स के ऊपर लगाते हैं, ये मीशो से मैंने शायद 80-90 रुपीज़ में खरीदी है, मुझे दो शीट्स मिली हैं, ये ऐसे भर भर के स्टिकर्स दिया है उन्होंने, तो इनको ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट वाला ही यूज़ किया है, आप चाहें तो कलरफुल वाला भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे स्टिकर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस में, मैसेजेस में, कोट्स में भी आपको ये अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली मैंने अपने बॉटल के ऊपर इसको स्टिक कर दिया है। आप पेंट्स वगैरह के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आपको टाइम नहीं है बट कुछ करने का मन है, तो इस टाइप की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बैठे बैठे मुझे सडनली आइडिया आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसा ट्राई किया जाए। वेल, मैंने ऐसा देखा भी नहीं है कहीं पे, मैंने खुद ही ट्राई किया एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल मेहनत नहीं है, मेस फ्री है, एफर्ट्स नहीं है इसमें एंड रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। अब है हमारा आज का लास्ट बॉटल आर्ट। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्लास बॉटल मैंने ले ली है एंड ये किसी प्रोजेक्ट का लेफ्ट ओवर वॉल पुट्टी का पेस्ट था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिक्स करके इस तरीके से अपने बॉटल के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिससे कि ये बिल्कुल जैसो जैसा काम कर रहा था। मैंने कलर अप्लाई किया था कि कुछ तो बनाऊंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कलर और डीप होना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से टेक्सचर आना चाहिए, तो जब ये ड्राई हो गया तब मैंने यहाँ पे जो चॉक पेंट वगैरह था उनसे मैंने इसको इस तरीके से स्पंज की हेल्प से डैब करते हुए पेंट कर लिया। यहाँ पे मैंने दो शेड्स यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है स्कल्पचर पेस्ट, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे होममेड पेस्ट लाइक जो टैल्कम पाउडर एंड फेविकॉल मिक्स करके हम बनाते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, आप वॉल पुट्टी पीओपी का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप जो इट्सी का टेक्सचर पेस्ट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सूख रहा था तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर टेक्सचर पेस्ट को मैंने ले लिया, यहाँ पर दो शेड्स मैंने ले लिया, दोनों ही बस मरने ही वाले थे, उसमें थोड़ा सा पानी वानी मिला के मैंने उनको ज़िंदा किया एंड उसके बाद अब मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। स्टेंसिल ये मैंने लिया है क्राफ्टोलॉगर से, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, चाहे आप इट्सी से कोई परचेस करते हैं या क्राफ्टोलॉगर से। अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेंसिल को हमने अच्छे से बॉटल के ऊपर सिक्योर कर दिया है एंड उसके बाद हम टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ एंड उसके बाद हम स्टेंसिल को अच्छे से केयरफुली रिमूव कर लेंगे एंड जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर ख़राब हो गया उसको हम फिक्स कर देंगे। तो बस इतना ही करना था, देखिए हमारा कितना प्यारा सा एक बॉटल रेडी है। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड आपका फेवरेट बॉटल कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।